गुजरात विधानसभा चुनाव में हार के बाद सुस्त पड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब बीजेपी को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी है। तीन विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस नेता सक्रिय होने लगे हैं। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में लोकायुक्त और किसान विरोधी बिल का विरोध करने की रणनीति बनाई गई। लोकायुक्त है, इरिगेशन बिल है, एजुकेशन बिल है, जो जो विधानसभा में बहुमत से इन्होंने पास की है बीजेपी गवर्नमेंट ने, इनके विरोध में जनता के बीच जाकर एजिटेशन करना, ऐसा आज का मीटिंग का मकसद था। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर काम करने और अपनी कमियों को दूर करने की भी नसीहत दी गई। गुजरात में 6 पार्लियामेंट और 4 विधानसभा की सीट का बाई इलेक्शन आने वाला है और उसके लिए कांग्रेस ने जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी करनी चाहिए वो कर ली है। लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस अब अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए कमर कस चुकी है और अगर ऐसा होता है तो उपचुनाव में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। जागृति त्रिवेदी के साथ नसरीन, अहमदाबाद, जानकारी।